नमस्कार फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और पेपर लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का। तो रुक जाना नहीं, पार्ट टू वाले एग्जाम में वो स्टार्ट हो चुकी है। तो रुक जाना नहीं कि पार्ट टू का एग्जाम, आज पहला पेपर था आपका फिजिक्स का था, अब केमिस्ट्री का पेपर है आपका। 15 तारीख का आपका केमिस्ट्री का पेपर है। तो आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का। तो इसमें देखिए, ये भी आपका 70 नंबर का पेपर रहता है। इसमें भी 3 घंटे का पूरा समय रहता है। तो रसायन विज्ञान पूरे केमिस्ट्री का पेपर इसमें पूरा दिया हुआ है आपको। ओडी शायद यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए। तो पूरा है, पहला अपना क्वेश्चन रहता है सही विकल्प वाला, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सही विकल्प है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये रहता। तो देखिए ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में अपने रिक्त स्थान दी हुई है। इसमें ये भी आपके 7 नंबर के क्वेश्चन है, यानी एक एक नंबर का आपके एक एक ही रिक्त स्थान रहता है। तो पूरे 7 नंबर के आपके क्वेश्चन है, यानी आपको 7 रिक्त स्थान भरने होते हैं इसमें। तो आपको पूरा पेपर है वो देख लेना है। इसमें देखिए एक शब्द में आपके उत्तर दी हुई है। तो ये भी एक एक नंबर के आपके रहते हैं क्वेश्चन। इसमें भी 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन था, आपका 3रा नंबर था। अब चौथा क्वेश्चन आता है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी इसमें ये भी सही जोड़ी भी आपकी 7 नंबर की दी हुई है। तो इसमें 7 नंबर आपके इसमें भी पक्की हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका 5वां क्वेश्चन है 2 अंक का। अब यहाँ से आपके 2 अंक के प्रश्न है और ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 2 अंक के प्रश्न है आपके। तो अथवा में यानी डबल डबल क्वेश्चन दिए हुए हैं, अथवा में आपके इसमें भी दिए हुए हैं सारे। यानी आपका जैसे पेपर आता है उस तरीके से आपका ये भी पेपर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको 8, 10, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर तक आपके क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। 13वां क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का। यहाँ से आपके 3 नंबर के चालू होते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन से। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 15 और 16 यहाँ तक आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ से आके चालू होंगे आपके 4 नंबर के 2+2। इसमें आपके देखिए निम्न वक्रियों को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। यानी इसमें आपको 2 चीज़ बुझी जाती है, यानी 2-2 नंबर की रहती है वो दो चीज़ बुझी जाती है। 2+2 दिया हुआ है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके दिया हुआ है, यानी 2+2 यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा आपको ये दोनों करने, अगर आपको एक करना है तो एक के आपके 2 नंबर मिलेंगे। दोनों करोगे तो आपके पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें अथवा में भी दिया है और 8 और 18 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन प्रश्न दिया है। इसमें आपके तीन हेडिंग दी हुई है। तीनों हेडिंग में से आपको नामांकित क्षेत्र या कार्यविधि और सेल की अभिक्रिया एनोड एन कैथोड मुख्य रूप में। तो इसमें पहला आपकी पहले की हेडिंग थी आपकी 1 नंबर की है। 2-2 नंबर के आपके दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। इसमें यह दिया हुआ है आपके पहला था ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का है। मुझे हाँ एक नंबर का। इसके बाद में देखिए आपको नीचे करना है, नीचे पूरा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ये दिया हुआ है आपके इसी तरीके से। ये भी 5 नंबर का आपका क्वेश्चन 19 वाला, ये भी आपका 5 नंबर का है आपका। यहाँ तक पेपर है, आपके क्वेश्चन आते हैं पूरे टोटल क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में 19 आपके पूरे टोटल क्वेश्चन, यानी पूरे प्रश्न आपके 19 है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।